अरे बहुत सुना है बाबा के बारे में। पूरी मोहल्ले की औरतें बाबा के पास ही तो आती हैं अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए। और आज मैं भी जा रही हूँ बाबा के पास अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए। आज मैं भी तो देखूँ ये बाबा जरूरतें पूरी करता भी है या ऐसे सबको पागल बना रहा है। ये औरतें ऐसे झूठ बोलती हैं कि बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा के अंदर तो बहुत पावर है, बाबा पावरफुल है, बाबा शक्तिमान है, ये वो फलाना ढिकरा। आज देखती हूँ बाबा कितना शक्तिमान है और कितना पावरफुल है, क्योंकि मुझे भी तो अपना काम निकलवाना है और बाबा जी तो ये रहे। तो आज बाबा को मैं ही पटाती हूँ। बाबा की बॉडी। ए ये क्या है? ये क्या है? अरे बाबा जी देखो देखो बात सुनो। बाबा है ना महिलाओं से बहुत दूर रहता है और मैं आपके पास आई हूँ। देखो कन्या बात सुनो, मैं ब्रह्मचारी हूँ इसीलिए गांव छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, जंगल में रहता हूँ इसीलिए रहता हूँ, शांति मिलती है शांति। बाबा ज्यादा बनो मत, मैंने आपके बारे में गांव की सारी औरतों से सुना है कि आप सबको जड़ी बूटी देते हो और जंगल में मंगल करते हो। अब इसको पता और मैं जंगल में मंगल करने के लिए आई हूँ, तो क्या आप तैयार हो या मैं जाऊँ? चलो हाँ। जाना नहीं जाना नहीं। बाबा के दरबार में आके कोई खाली हाथ चले जाए या हो ही नहीं सकता। अभी तो मैं आई हूँ। इतने साल तक तपस्या इसीलिए तो किए ताकि तुम जैसी महिलाओं का कल्याण कर सको। तभी तो मैं आई हूँ क्योंकि आज आपको मेरी जरूरत भी तो पूरी करनी है। अच्छा तू वो कराने आई है? हाँ मैं वो कराने आई हूँ। अरे उस मामले में तो मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ। अच्छा अभी तो आप मना कर रहे थे। अरे वो मैं मजाक कर रहा था, जब कोई महिला पहली बार आती है ना मेरे पास तो मैं उसको ये दिखाता हूँ कि मैं पाखंडी नहीं हूँ, मैं असली वाली बाबा हूँ। ईमानदारी में तो मैं पाखंडी हूँ। ओहो मेरे को एक ही काम है बस, सेल्फ स्टार्ट वाला। हाँ नई नई महिलाओं को बजाना। तो कहाँ, यहाँ या वहाँ? देखो यहाँ लिटाऊंगा, नीचे से चुभेगी, कैसे ऊंचा है नहीं, हाँ, कैसे तो नीचा है, नीचे कांटा भी चुभ सकता है ना बाबा ना। बस तुम मेरा कांटा संभाल लेना, मेरा अकेला ही कांटा बहुत है तेरे लिए। तभी तो आई हूँ ना मैं, सारी गांव की औरतों के सुनकर मेरा भी मन कर गया तो मैंने बोला कि चलो आज बाबा जी के पास चलते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो मैं आ गई। तो अब तुझे कुल मिला के सीधी सी बात ये है, तेरी ये सब चीज उतार के इसको खोल के है बाबा जी को ऐसे आना है। ऐसा ना तो दब जाओगे आप, मैं ऐसा होंगी तो। अरे यही तो बात है देवी, आज तक बाबा को कोई दबा नहीं सका। अच्छा शको आजमा के देख लो। सुन जो मेरी तीसरी वाली टांग है ना, दो टांग तो ये है, जो तीसरी टांग है मेरी, कई महिलाएं उसको पकड़ के ऐसे झोलती ऐसे, मैं वो चीज हूँ। और आज पहली बार आई है तू, पहली बार में तू है ना मेरी गुलाम हो जाएगी। अच्छा गारंटी। अब यहीं पे खड़े खड़े बात करते रहोगे क्या? चले कुटिया पे, चलो कोई देख ना ले यार। ओ बाबा ओठर की बाबा, भाई तुमने तो मार दिया सच्ची में। मैंने तुमसे पहले ना पांच पांच आदमियों से करवाए पर उन सालों के बस की कुछ भी नहीं था। अच्छा नहीं तो तुमने
आगे से ले, पीछे से ले, ऊपर से ले, नीचे से ले। क्या कमाल कर दिया भाई तुमने तो। तू तो यूं कह रही है मेरे से कि बाबा तुम तो हल्के से हो, मुझे उठा लोगे। अब वो तो हल्के, अब मुझे नहीं पता था ना। मैंने एक ही चीज पा ली है, अपनी तीसरी टांग। बस तो ठीक है। अब सुन, एक बार और करूंगा अभी तो। देखो किसी की आवाज आ रही है। अरे आवाज, अरे आवाज पे छोड़, एक बार और करना है। दोबारा चल, दोबारा 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 चल।